क्यों? असलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर शोभा लक्ष्मी है। मैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन्फेक्शस डिजीज़ में। मैं आज रूथ फ़ज़ाए रूथफा मेडिकल कॉलेज में आई और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत वेलकमिंग यहाँ का रिस्पॉन्स था लोगों का, और उन्होंने मुझे बहुत फैकल्टी ने और लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही इंकरेजिंग एक्सपीरियंस रहा। द इंस्टीट्यूट इज़ गुड एंड और पूरा एक बहुत ही अच्छा, कराची शहर में एक फैसिलिटी है जो कि साफ सुथरी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। दिस इज़ वेरी वंडरफुल। जहाँ तक बात है कोविड की, तो पिछले साल से हम इस पैंडमिक को फेस कर रहे हैं। दुनिया भर में ये एक वबा है जिस पे पाकिस्तान भी इफेक्टेड हुआ है, और इससे हमें बचना किस तरह से, इसमें हमें सिर्फ कुछ चीज़ों अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है, और अब जिसमें हाथों की सफाई आ गई, मास्क आ गया, सोशल डिस्टेंसिंग आ गई, साथ साथ हमें वैक्सीन को भी प्रमोट करना है। वैक्सीन के ट्रायल्स हो चुके हैं दुनिया भर में और देखा गया है कि वैक्सीन इट्सेल्फ इज सेफ, उसके माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अभी तक वैक्सीन की वजह से लोगों की डेथ नहीं हुई है। वैक्सीन अगर आप लगाते हैं तो ये आपको बहुत ख़तरनाक, जैसे हम सिवियर डिजीज़ कहते हैं, वो नहीं होने देगा, आपके हॉस्पिटलाइजेशन के रिस्क को कम करेगा, और वैक्सीन अगर आप लगाएंगे तो दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट आपको फ्री वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है, कमर्शियली भी ये अवेलेबल है। जान से ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है। अगर आप सेफ़ हैं तो आपके घर वाले, आपकी फैमिली, आपका माशरा सेफ़ है, तो इसलिए प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और वैक्सीन लगाइए। थैंक यू।